दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये 34 साइज का ब्लाउज है, मैंने कट कर लिया है। ये ब्लाउज है, ये लाइनिंग है, और देखिए मैंने पैच डालने के लिए कपड़ा लिया है और पाइपिंग डालने के लिए कपड़ा लिया है। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे डिजाइन बनाएं। देखिए जैसे मैंने बताया 34 है तो 8.5 इंच आएगा डबल फोल्ड में, और देखिए ये हमने 2 इंच मार्जिन रख लिया है और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। और देखिए इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है, तैयार में 14 इंच आएगी, और शोल्डर मैंने 14 इंच लिया है डबल फोल्ड में 7 इंच। तो देखिए अभी हम डिज़ाइन बताते हैं। तो सबसे पहले लाइनिंग पे कट कर लेते हैं, शोल्डर से 4 इंच ले लें, और जो ये डिजाइन है ये पूरा नीचे तक आएगी तो हम नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ऊपर का नेक 2.5 इंच, और इसमें 1 इंच की गुलाई दे देंगे। तो ये ऊपर का बोट नेक है, तो देखिए ये तो ऊपर का हो गया। अभी हम नीचे तक ड्रॉ करते हैं नेक के। ये थोड़ा सा हमने ब्रॉड कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे आधा इंच मार्किंग छोड़ दें जो कि हमारे नेक की फिनिशिंग के लिए हमको चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से ये शेप आएगी। तो सबसे पहले ऊपर का नेक कट कर लेते हैं फिर नीचे का। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये ड्राफ्ट को रख के कैनवास और पाइपिंग के लिए कपड़ा ये कट कर लेते हैं। इस तरह से ड्राफ्ट रख लें और सेम ड्राफ्ट पर इसकी कटिंग कर लें। इसकी चौड़ाई हम 1 इंच ले लेंगे। अभी देखिए सेम ड्राफ्ट रख के ये कपड़ा ले लेते हैं, इसकी चौड़ाई आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। देखिए सिलने का तरीका बताते हैं। तो क्या करना है आपको, इस तरह से इसको रखना है कैनवास को, और जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसी तरह से ये पीस तैयार कर लेना है। आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। नीचे ब्लाउज को उल्टा रख लें, उसके ऊपर लाइनिंग रख लें, और इसको चारों तरफ से लाइनिंग के साथ स्टिच कर लें, और जो हमारा ये सेंटर पार्ट है इसको हम कट कर देंगे, दोनों पीस अलग अलग हो जाएंगे। जब ये दोनों पीस हमारे तैयार हो जाएंगे उसके बाद जो हमने कैनवास नेक पट्टी लिया है इसको रख के फिर हम इसकी फिनिशिंग देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और इसकी पाइपिंग आएगी, और बाद में इसको हम नीचे पलट देंगे, और ऊपर के लिए हम क्रॉस कटिंग पट्टी यूज़ करेंगे फिनिशिंग के लिए। देखिए ऊपर भी क्रॉस कटिंग पट्टी आएगी लेकिन उससे हम पाइपिंग दे देंगे, तो जो हमारा ये पीस बचा है, तो देखिए आप इस पीस को इस तरह से रख लें क्रॉस में और 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लें, इससे हम नेक की पाइपिंग दे देंगे। देखिए अभी आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। तो इसको क्या करना है, इस तरह से स्टिचिंग करना है क्रॉस में, और फिर इस पार्ट को इस तरह से पलट देना, तो ये स्ट्रेट पट्टी तैयार हो जाएगी। फिर इसको हम नेक पे लगा के पाइपिंग देंगे। तो देखिए ये पैच के लिए मैंने ये क्लॉथ लिया है, तो आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। तो देखिए जो पैच आएगा इसमें भी हमारे नीचे भी पाइपिंग आएगी और ऊपर भी पाइपिंग आएगी, तो उसके लिए आप स्ट्रेट पट्टी कट कर लेंगे 1 इंच चौड़ी इस तरह से, और साइज़ के अनुसार इनको सीधा जोड़ लेंगे, और जोड़ के यहाँ पर पाइपिंग देके इसकी फिनिशिंग देंगे, और बीच में हम इसमें टक डालेंगे। सब रेडी हो जाने के बाद फिर इसको सेंटर में अटैच कर देंगे। देखिए जैसे मैंने बताया था, नीचे ब्लाउज रख लिया उल्टा और ऊपर से लाइनिंग से पूरा मैंने स्टिच कर दिया, जैसा नॉर्मल प्लेट डालते हैं ऐसे प्लेट डाल दिए। अभी हमें क्या करूँगा, इस डिज़ाइन को कट कर देते हैं। देखिए दोनों पीस मैंने कट कर लिए हैं, अब ये हम नेक की फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए देखिए जैसे मैंने बताया था, कैनवास मैंने इस तरह से आधा इंच ऊपर से फोल्ड कर दिया। अभी हम नेक को तैयार करते हैं। तो देखिए हमारी पाइपिंग पूरा ऊपर के नेक पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, हम पहले यहाँ से लेके नीचे तक पाइपिंग दे देते हैं। बीच में कट दे देंगे।
अभी हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए हल्का सा पाइपिंग देते हुए आएंगे। देखिए मैंने दोनों पीसों में इस तरह से पाइपिंग दे ली है। अभी ऊपर के नेक के पाइपिंग देते हैं, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हम इसको स्लाइड डाल के लॉक कर देते हैं, जो पाइपिंग आएगी पूरे नेक में आएगी। मैंने क्रॉस में पट्टी जो कट की थी वो मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है और अभी हम पाइपिंग देते हैं। तो देखिए इसको पट्टी को ऊपर रखेंगे, पट्टी को हल्का सा खींचेंगे, नीचे के पार्ट को लूज छोड़ेंगे। अभी इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग डाल देते हैं, पाइपिंग दे देते हैं। तो देखिए ऊपर भी पाइपिंग लग चुकी है, ये पीस भी हमारा नीचे तैयार हो चुका है। अभी हम पैच तैयार करते हैं, जो कि हमने ये पैच के लिए कपड़ा लिया था। तो मैंने देखिए वन साइड पाइपिंग लगा लिया है इसमें, अभी हम इसमें टक डालते हैं। टक डालने के बाद फिर इसमें नीचे भी पाइपिंग लगाएंगे, तो कमर में इस पार्ट में पाइपिंग आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी, एक साथ ही लगा देंगे। तो ब्लाउज़ को साइड में रखते हैं, उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए वन साइड तो मैंने फिनिशिंग दे दी जो ऊपर की तरफ आएगी नेक में, और इस तरह से टेप को रख लें। और यहाँ पर हम ये हमारा 1.5 इंच चौड़ा है, तो ये 1.5 इंच पे इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अभी देखिए फिर से हम इसको इस तरह से रख लेंगे। तो देखिए हमने 4 मार्किंग कर ली हैं। अभी मार्किंग को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई डालेंगे। तो देखिए हमने ये 4 और टक डाल दिए हैं, अभी हम इसमें और डिज़ाइन डालते हैं। तो देखिए इसको स्केल को इस तरह से यहाँ पर एकदम कोण आए, और इसको इस तरह से क्रॉस में रख लें, और यहाँ पर भी हम इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। एक हमने इस साइड में कर ली और सेम इस साइड में भी, और फिर से स्केल को इसी तरह से रखेंगे क्रॉस में। एक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दिया है। अभी दूसरे को क्या है, इस पट्टी को हम इस टक को इस तरह से अपनी तरफ स्टिचिंग डालेंगे। अभी सेम इस पार्ट को भी इसी तरह से। तो देखिए एक हमने यहाँ से इधर तक डाली है और एक फिर अपोजिट ली है, इसी तरह हमने एक अपोजिट और एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से ले लिया है। अभी हम पैच को इस तरह से अटैच कर देते हैं। सेम इसी तरह से सेट कर लें। कि ये पैच हमारा अटैच हो गया, अभी हम पाइपिंग देते हैं। तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है और साइज के अनुसार स्टिच कर लिया है जॉइंट करके, और अभी हम इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखिए अभी इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे कमर में इस तरह से पाइपिंग दे देंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से यहाँ पर सिलाई डाल देते हैं, बाद में यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। तो देखिए हमने नीचे भी पाइपिंग दे दी है, और देखिए जो हमने फोल्ड कर दिया है यहाँ पर, आप तुरपाई कर लें और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो इस आसान तरीके से ये सुंदर से नेक डिज़ाइन बना सकते हैं।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।